गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए 5 और आज मैं जा रहा हूँ पुष्कर, और आज मेरी पुष्कर की ट्रिप चालू होती है। और अभी मेरी 6 बजे की ट्रेन है और 5 बज गए हैं, मेरे को कैब पकड़नी है। कैब पकड़ के निकलता हूँ, मेरा सामान पैक हो गया है सब कुछ, और लैपटॉप वगैरह रख लिए हैं क्योंकि मंडे को मेरे को ऑफिस नहीं से करना है, और मेरा 3 दिन का ट्रिप होगा। तो अभी के लिए निकलते हैं और यहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट होती है। तो देखते हैं आपको जो जो अच्छे व्यू कैप्चर करके आपको दिखाएंगे और अपडेट आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आ गई है अपनी कैब, कैब में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बस अभी 1 घंटा ही बच रहा है अपने पास, 1 घंटा भी नहीं बच रहा। तो दोस्तों हमने कर लिए कैब बोर्ड और अभी दिखा रहा है 5:45 पे हम पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास 15-20 मिनट होंगे ट्रेन वगैरह देखने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो देखते हैं, बोर्ड करते हैं ट्रेन जल्दी से, और साथ ही अपने पहुंचने वाले होंगे। ये देखो 5:15 से ऊपर हो चुके हैं और भैया भी टाइम से आ गए हैं बहुत फटाफट से। चलो ट्रेन पकड़ते हैं। कर ली ट्रेन बोर्ड और सारे दोस्त मिल गए हैं, ये देखो ये सब हंस के पागल हो गए ये देखो। तो अभी हम चलते हैं और आगे पहुंचते हैं, अपडेट रहेंगे। फ्लैश ऑन है, दिन का टाइम है। दोस्तों अपनी ट्रेन चलेगी 6:10 पे। दोस्तों पहुंच गए हैं अभी हम जयपुर, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और ये आदर्श बाजार के पास पहुंच गए हम। हाँ तो क्या बोल रहे थे तरुण साहब, बोलो ऑन कैमरा नहीं खोलेंगे। बोलो क्या बोल रहे थे? तो ये बोल रहे थे कि फ्रेश होने जाना है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेन में है ना वॉशरूम बहुत गंदे हो रखे हैं, तो अभी नहीं दिखा रहे हो इस बार किसको जाना था। अभी है ना दबाव लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हम पोटी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये वॉशरूम बहुत गंदे हैं। ये तो गए थे, तो अभी जहाँ होटल वोटल जहाँ भी जाएंगे, जहाँ रुकेंगे, ठीक है, वहाँ जाके हम फ्रेश फ्रेश होंगे। दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम अजमेर के रेलवे स्टेशन, और सही टाइम पे हम अपनी ट्रेन आ गई 1:05 पे, और अपने साथी ही जा रहे सब, और से हाय। तो टाइम से पहुँच गए हैं, शुभम हमारा वेट कर रहे हैं में, और वहाँ पहुँचते हैं, उसको कंपनी देते हैं, नाते धोते हैं और मंदिर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं ब्रह्मा जी के टक्कर पे। तो दोस्तों पहुँच गए हैं अभी हम अजमेर, और यहाँ से हम अपनी टैक्सी वगैरह करेंगे पुष्कर के लिए। तो दोस्तों कैब हो रही थी महंगी, 1000 कोई 1200 कोई ऐसे ही मांग रहे थे, उल्टे सीधे रेट मांग रहे थे। तो अभी हमने ऑटो कर लिया है जो कि सिर्फ 400 रुपये में है। दोस्तों अभी हम 8 किलोमीटर रहता है अभी हमारा, और अभी पहुंच के है ना, हमारा ये डिसाइड हुआ है कि ब्रह्मा टेम्पल जाएंगे नादो के, और नादो के अमन बोल रहा है कि वो अभी आके थक चुका है, लेकिन हमने ऐसा बोला था वो ये ऐसा बोलेगा, तो वो ही रिपीट कर रहा है फिलहाल, लेकिन हम इसको खींच के लेके जाएंगे। क्यों अमन चलोगे? अमन बताइए अमन जाएगा नहीं जाएगा, अमन क्या बोलता है। दोस्तों देखो यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, देखो सामने, और दिल्ली से यहाँ का टेम्परेचर है 3-4 डिग्री कम है, दिल्ली में 3-4 डिग्री ज्यादा है, यहाँ पे 34 के आसपास रहता है, और दिल्ली का भी चल रहा है 38 के आसपास एवरेज। भैया को दे दिया हमने 400 रुपए, और चलते हैं आगे, और यहाँ पे हमारा मुस्टेस जहाँ पे हम स्टे करेंगे। बंदे पहुंचे हैं अपने,
बस यहाँ 200 मीटर रह गया है। तो ये पुष्कर की छोटी सी मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट मार्केट घाट ही है यहाँ पे, अभी आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। ठीक है भैया। हाँ जी, क्या लस्सी वस्सी चल रही है? तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं। मैंने खाई है यहाँ पे कचौड़ी, ठीक है, वो भी कड़ी के साथ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आलू की सब्जी के साथ होगी, लेकिन कड़ी के साथ बस सॉस होती, ज़्यादा टेस्टी तो नहीं लगी, बट भूख लग रही थी इसलिए खाली टेस्ट कर ली। और अपने तो दोस्तों फाइनली हम मुस्टेस पहुँच गए हैं और थोड़े थक गए हैं, बाकी सारे अपने फ्रेंड्स आ गए हैं यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हो आप थोड़ी थीम अच्छा टाइप यहाँ पे। दोस्तों देखते हैं अभी ऊपर का व्यू कैसा है, ऊपर जाके देखते हैं मुस्टेस केटो फ्लोर से व्यू कैसा आता है। और यहाँ का एक कॉमन एरिया। यस, यहाँ पे गेम वेम नहीं दिख रहा यार, वैसे गेम है क्या यहाँ पे? फुटबॉल से। अच्छा, ये टेबल सही है? चलो टेबल ठीक है। दोस्तों देखो व्यू कैसे है, यहाँ आओ देखो। दोस्तों व्यू तो बहुत प्यारा है और नाइट में और अच्छा व्यू आएगा, ठीक है। सामने देख सकते हो ये पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ हैं, ये बड़ा पहाड़ है। और अभी सारे कंफ्यूज हो रखे हैं क्या क्या ऑर्डर करा जाए, ठीक है। कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, सब कंफ्यूज हो रखे हैं क्या ऑर्डर करें, क्योंकि क्या हो गया ये तो हर एक आइटम है ना थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आ गया अपना लंच, लंच में हनी चिली पोटैटो पिज्ज़ा पुलाव और हमने पास्ता खा लिया है अभी, और अभी भूख लग रही है। अभी और ऑर्डर आ रहा है, क्या ऑर्डर आ रहा है, क्या रहता है अपना पेंडिंग अभी? गार्लिक नान। गार्लिक नान और एक चीज़ और रहती है, चाउमीन। चाउमीन वेज नूडल्स, वेज नूडल्स पराठे भी रहते हैं। हाँ दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद अभी हम चलते हैं ब्रह्मा जी के टेम्पल में, जाके दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे मार्केट भी है काफ़ी, आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे सामान है, सस्ते सामान मिलते हैं यहाँ पे। ब्रह्मा जी के टेम्पल जाने से पहले है ना, यहाँ घाट पे आ गए हैं ना, अपने ऊपर या तो नहाना होता है या फिर थोड़ा सा पानी डालना होता है। तो अभी जय हनुमान जी, तो चलते हैं अभी थोड़ा सा अपना एक शगुन कर लेते हैं, सर पर पानी डाल लेते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी टेम्पल में दर्शन करते हैं। ये दूसरा पत्नी गायत्री माता है, मंदिर में आपका ये वाला दर्शन होगा, गायत्री बैठा रहेगा। ये ब्रह्मा जी का सरोवर है, इसके किनारे जो आपको दिख रहे गोलाई के अंदर, ये पूरे 52 घाट है, 52 जिन्होंने जो मनोकामना मांगी थी जिनकी पूर्ण होने पर उन्होंने अपना अपना घाट बनाया, जिसके लिए आप कहते हो पुष्कर चलो पुष्कर चलो। इधर पुष्कर जी का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, पुष्कर नाम जल का है, पुष मतलब फूल होता है, कर मतलब हाथ होता है, इससे नाम बनाया पुष्कर। तीन देवता बड़े होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का सतयुग में कुछ भी धाम नहीं था, शिव जी का धाम था काशी बनारस और विष्णु भगवान का धाम था बोधगया बिहार के अंदर। तो ब्रह्मा जी का फर्स्ट वाइफ सावित्री के आने में देरी हो गया था, तो उन्होंने गायत्री के साथ यज्ञ किया इस ओरेंज छतरी पे। तो पहला पत्नी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपका संसार में एक मंदिर होगा, जो भी परिवार फैमिली वाला आएगा पहले सरोवर जाएगा, जल का स्नान करेगा, नहीं तो हाथ में धोगा, जल का प्रसाद चढ़ा के फिर ब्रह्मा जी का दर्शन करेगा। आपने घर पे शिव जी का पूजा किया, गणेश जी का पूजा किया, पर ब्रह्मा का कभी घर पे पूजा नहीं किया। तो साधु लोग होता है वो मंदिर का पूजा करता है, परिवार फैमिली वाला होता है वो जल का प्रसाद चढ़ाता है। दो काम से यात्रियों पुष्कर आज में आते हैं, राजी खुश होकर फिरने के लिए आते हैं, तो अपने नाम गोत्र से 20 रुपये का थाली आता है, अपना परिवार के नाम से इधर प्रसाद चढ़ाया जाता है, अपने नाम गोत्र से चढ़ा के फिर ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं। दूसरा काम, जैसे अपने दादा दादी नाना नानी नहीं है तो वो 21 रुपये का थाली लेके पितरों को जल भी देते, गया में माँ को देते, काशी में पिता को देते, या सात को सात पीढ़ी को देते जो नहीं होता, या किसी का कोई मांगने का काम नहीं है, ब्राह्मण द्वारा प्रसाद मनोकामना की जाती है और जो भी दान दक्षिणा चैरिटी में देखे फिर ब्रह्मा जी का दर्शन करें। नीचे जाओ दो चीज़ का ध्यान रखना, स्लीपिंग का, स्लीप मत हो जाना, खाली आती जाती, ऊपर वाली जेब में कोई मोबाइल चश्मा हो तो नीचे रख लेना, नहीं तो झुकोगे तो ब्रह्मा जी के पास चला जाए। नीचे जाओ जल का हाथ में दो, प्रसाद चढ़ाओ, मनोकामना मांगो फिर दर्शन करो। साधु लोग होते हैं वो मंदिर से मनोकामना मांगता है, परिवार फैमिली वाला जल से मनोकामना मांगता है।
इतना श्राप दिया था इंद्र को, क्योंकि ब्रह्मा जी के बॉडीगार्ड थे, इन्होंने कंवारी कन्या को लेने गए थे। इनको श्राप दिया था कि आप बरसोगे तो भी लोग गाली देंगे और नहीं बरसोगे तो भी लोग गाली दी जाएंगे। गाय को श्राप दिया था कि आपकी पीठ और पूछ की मान्यता रहेगी, मुँह अशुद्ध रहेगा, क्योंकि गाय माता नाली मुँह देती थी। अब यहाँ से नीचे जाके हाथ में दो प्रसाद चढ़ाओ अपने परिवार का, सुख शांति का 20-20 रुपये का थाली आता है, प्रसाद ब्रह्मा जी के जल पे चढ़ता है, फिर ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। साधु लोग होते हैं वो मंदिर पे चढ़ाते हैं, परिवार फैमिली वाला जल पे चढ़ाते हैं। बोलो ब्रह्मा जी भगवान जी की जय। कोई चीज़ पूछने की इच्छा तो पूछ लेना। कितना गहरा आइए और दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी टेम्पल के। तो हो गई हमारी पूजा यहाँ पे दर्शन भी हो गए और ब्रह्मा जी के यहाँ पे कुंड में हमने जाके उपजाव भी कर लिया है, नहाने का एक वो कहते हैं शगुन कर लिया है, और पंडित से पूजा भी करवा दी है हमने, बाकी सबने पूजा करवा दी है। आगे अपने साथी जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। फोटो वोटो खींच लेते हैं थोड़े से यहाँ पे, चलो वहीं पे चलते हैं मंदिर में। इसमें तरुण दोस्तों मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था और दर्शन हमने कर लिए मंदिर में, तो दोस्तों देखो कितनी भीड़ है अभी, ठीक है अभी एकदम से भीड़ बढ़ती जा रही है शाम को, और मंदिर अभी ऊपर खाली है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप नहीं कर आए यहाँ पर दर्शन करें। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर एक ही है पूरे इंडिया में, सबसे बड़ा मंदिर यही है। और ये अपने कुछ दोस्त यहाँ पर टी शर्ट प्रिंट करा रहे हैं, ये देखो दोस्त आ गए अपने यहाँ पे, और हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग, आप ही हो गए, बाकी बंदों ने भी करे यहाँ पे, कुछ ने टी शर्ट ली है, कुछ ने कुछ और लिया है, तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग सबने कर ली है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेने, खाने पीने का स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद देखेंगे या तो यहीं रुकेंगे या फिर जोस्टल में जाएंगे, वहाँ पे कह रहे हैं कुछ छोटा मोटा है फंक्शन जो हो रहा है पार्टी वहाँ पे, तो वहाँ जाएंगे। और अभी हम दोनों ही हैं शुभम और मैं, थोड़ा वो सामान लेने मार्केट में, वो सामान लेते हैं वापस आते हैं फिर जाते हैं वहाँ पे। अभी आ गए हैं हम मार्केट से घूम के, गरीबन पैदल हम पौने घंटा घूमे और छोटा मोटा सामान लेके आए, एक घंटा ये कह रहे हैं एक घंटा हो गया, तो एक घंटा लाइव हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 11 और अभी हम खा रहे हैं खाना, खजाना पे खाना ऑर्डर करा हुआ है हमने, और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना दोस्तों पुष्कर में सारे वेज मिलेंगे। तो गाइस खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ पैदल, क्योंकि हमें कोई ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं मिला हमें वापस, ये ज़्यादा टाइम हो गया था रात का, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।